हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लर्निंग। सबसे पहले मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम गोविंद भाटी है और मैं मुंबई से हूँ और मेरा नेटिव प्लेस राजस्थान में है। सो मैंने हाल ही में IBPS PO का एग्ज़ाम क्रैक किया है, जो कि 1 अप्रैल को रिजल्ट जो आया है, और मुझे बैंक ऑफ इंडिया अलॉट किया गया है एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। सो ये मेरे फ्रेंड का चैनल है और उसने मुझे बोला कि ज़रा मेरे सब्सक्राइबर को आके थोड़ा सक्सेस के बारे में थोड़ा बता। सो मैं यहाँ पे आपको सक्सेस के टेस्ट के बारे में कुछ बताने के लिए आया हूँ, लेकिन उसके पहले मैं अपनी जर्नी का छोटा सा पार्ट आपसे शेयर करूँगा। फिर डेली मैं अपने वीडियोस लाते रहूँगा थोड़े 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 थोड़े। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने थोड़ी बेसिक सी छोटी सी जर्नी शेयर करूँगा और आने वाले में वीडियोस में अपनी पूरी जर्नी के बारे में डिटेल में बताऊँगा आपको। सो मेरा एक्चुअली 2014 में मेरा 12th हो चुका था, और 2014 के बाद जैसे मैंने कहा आपको कि मैं मुंबई में रहता हूँ, सो मुंबई में वहाँ पे CA का क्रेज़ ज़्यादा है। सो मैंने 2014 के बाद वहाँ पे CA ज्वाइन किया, मतलब मैंने CPT दिया, CPT क्रैक हुआ, देन उसके बाद मैंने IPCC किया। सो मेरा ये IPCC करते करते मुझे वहाँ पे फेलियर्स मिल ही रहे थे, मैंने 5 to 6 एग्ज़ाम दे चुका था वहाँ पे भी। सो वो सब IPCC देते देते मेरा 2017 में मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था, एंड ग्रेजुएशन तक मेरे हाथ में कुछ भी अचीवमेंट्स नहीं थे। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ और करना चाहिए, तो फिर मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ मैंने बैंकिंग लाइन ज्वाइन करी। CA को मैंने क्विट कर दिया वहाँ पे, इस बीच में मैंने CA को क्विट कर दिया और मैंने बैंकिंग लाइन ज्वाइन कर ली। और 2017 के बाद से मैंने आज तक अराउंड 49 एग्जाम्स दिए बैंक की, और फाइनली आज जाते 1 अप्रैल 2021 में मेरा सिलेक्शन हो गया एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन बैंक ऑफ इंडिया। सो मैं आपको सक्सेस के बारे में बताऊंगा। ये सक्सेस क्या है, ये सक्सेस का टेस्ट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जिस दिन आप सक्सेस हो गए, उस दिन आप खुद समझ जाओगे कि क्या होता है। एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। आपके इर्द गिर्द और आपके जो सराउंडिंग्स में जो भी एनवायरनमेंट होगा ना, वो एकदम से यू टर्न ले लेता है। सो आप मान लीजिए जैसे कि आपके रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, और जो आपको कम जानते हैं, जो आपको ज़्यादा जानते हैं, जिनको जैसे ही पता चलता है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर और एन असिस्टेंट मैनेजर, जिनको पता नहीं होता कि प्रोबेशनरी ऑफिसर क्या होता है, तो उनके नज़रों में हमारे लिए जो इमेज होती है वो ग्राउंड लेवल से लेके आप 7th फ्लोर या 8th फ्लोर तक काउंट कर सकते हैं। सो फिर वो एकदम आपको रिस्पेक्ट देके बात करते हैं। मेरे भी फ्रेंड सर्कल्स में आप बोल सकते हैं, रिलेटिव्स में बोल सकते, जो मुझे बोलते थे कि इतने साल से तू प्रिपरेशन कर रहा है, तूने CA छोड़ दिया, अब तो ये लाइन में आ गया, सो CA में तो कुछ नहीं कर पाया, तो तू यहाँ पे क्या कर लेगा, ऊपर से ये तो पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो यहाँ पे तो कितने लाखों लोग एग्जाम देते हैं, सो तेरे से नहीं हो पाएगा। मुझे बहुत से टोन मिलते थे और ये दौरान में मुझे बहुत से हर्डल्स का सामना करना पड़ता और बहुत डीमोटिवेशन हुआ, बिकॉज मैंने CA भी 3 साल किया था, तो उसके बाद भी मेरे पास कोई अचीवमेंट्स नहीं थे, और उसके बाद भी बैंकिंग में मैंने 3.5 साल दे दिए। सो फिर भी मैंने प्रिपरेशन चालू रखी, मैंने क्विट नहीं किया, और आज बीच में आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको डिटेल में बताऊँ कि कौन कौन से ईयर में क्या क्या हर्डल, सबसे ज़्यादा तो 2020 जो कोविड का सिचुएशन आया था। ओके, सो मैं आपको पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये जो सक्सेस जो है ना, जिस दिन उनको पता चला, मेरे फ्रेंड सर्कल में पता चला कि मेरा हो गया, तो आज वही लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग तो मजाक करते थे रे, हमको पता था कि तो आज नहीं तो कल सक्सेस ज़रूर होगा, हम तो मजाक करते थे। सो उनका एकदम नज़रिया बदल जाएगा और उनका टॉकिंग सेंस बदल जाएगा, और वो आपको रिस्पेक्ट दे के बात करेंगे। और ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जिस दिन आप सक्सेस हो गए उसी दिन आप समझ जाओगे। ओके, तो ये मैंने शॉर्ट सा थोड़ा वीडियो बनाया है, और अभी आने आगे वीडियोज में मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करूँगा, और आगे जो भी मैं एक्सपीरियंस करूँगा वो भी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। और अगर आप चाहे तो मेरे पर्सनल चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल का नाम है बैंकिंग बोल्डनेस, जो कि मैंने चैनल बनाया था 2018 में, बट बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन मैंने थोड़ा उसको डोरमेंट सिचुएशन में रखा था, लेकिन अभी मैं उसको एक्टिव कर रहा हूँ। सो अगर आप चाहे तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं, अभी मैं डेली बेसिस पे वहाँ पे वीडियोस डालते रहूँगा, और जैसे जैसे जो भी चीज़ मुझे आने वाले फ्यूचर में जो एक्सपीरियंस होगा, सो मैं वीडियोस में वीडियो के ज़रिए आपको ज़रूर बताऊँगा। और
ये इजी लर्निंग जो मेरे फ्रेंड का चैनल है, इसको भी प्लीज़ ग्रो करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।